डियर स्टूडेंट्स, आज के 10 नए टॉपिक्स आज फिर से आप सबों के बीच आ चुके हैं। इस बीच मुझे उम्मीद है कि कल के 10 टॉपिक्स को आपने अच्छे से किया होगा और उन्हें समझा होगा। अगर आपने कहीं भी कोताही की है तो आप जान लें कि बाकी लोग इसे कर रहे हैं। साथ ही कल के एपिसोड में और बल्कि उसके पिछले एपिसोड में भी लूसेंट के बुक के पेज नंबर को लेकर कुछ कन्फ्यूजन रह गया था, दुविधाएं थी, तो आज हमने उसको दूर कर लिया है। आज का जो लूसेंट है वो 2018 का लेटेस्ट एडिशन है। इसमें पेज नंबर को लेकर अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये 2018 का सबसे न्यूएस्ट एडिशन है। आप इससे मिलान करें, उम्मीद है कि इसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। चलिए आज के 10 नए टॉपिक्स को देखते हैं कि कौन से हैं। पहला टॉपिक हमने लिया है दरअसल आजाद हिंद सरकार से। हिस्ट्री के दो टॉपिक्स होंगे। INA यानी इंटरनेशनल आर्मी रेगुलर से प्रश्न BPSC में आप देखेंगे। ये एक सॉफ्ट टॉपिक है BPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर INA आपको करना है। सुभाष चंद्र बोस ने जो संगठित किया था विदेश में भारतीयों को और फिर एक अस्थाई टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई थी जिसका नाम था आज़ाद हिंद सरकार। देखिए यहाँ पे जो पेज नंबर पहले आप देख लें, यहाँ पर क्राउन और लूसेंट दोनों के पेजेस दिए जा रहे हैं। आप उन पेजेस पर जाकर देख सकते हैं इन टॉपिक्स को, जो अच्छे से दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। सफिशिएंट मटेरियल यहाँ पे है, हालांकि एक्स्ट्रा आप देखना चाहें तो नेट भी कर सकते हैं। अब आइए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं कौन से हैं। देखिए BPSC का 30 नंबर क्वेश्चन, INA की स्थापना कहाँ हुई? ये एक आसान क्वेश्चन था, अधिकतर लोग जानते हैं सिंगापुर, यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो आप आज़ाद हिंद सरकार से संबंधित दूसरे पक्ष को भी कर लें, कौन इसके बैकग्राउंड में था, किसने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, कौन से तीन रेजिमेंट थे, महिला रेजिमेंट कौन था, और सुभाष चंद्र बोस ने शहीद स्वराज दीप नाम से भारत में किन दीपों को आभिहित किया था। आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं। मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, एक एंशियंट एक मॉडर्न हम लोग रेगुलर करेंगे। यहाँ पर हमने मौर्य साम्राज्य को लिया है, लेकिन मौर्य साम्राज्य तो बहुत ही विशाल चैप्टर है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को उठाया है। इंटरेस्टिंगली अशोक को हमने छोड़ दिया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अलग से करेंगे। यहाँ पर आप मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र बिंदुसार को करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के अलग अलग घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिका किस तरह से मेगास्थनीस के आया, दूसरे यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से पुकारा है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई अंतिम दिन थे वो एक जैन भिक्षु के रूप में चंद्रगिरी पर्वत पर श्रवण बेलगोला में संलेखन के द्वारा समाप्त हुई। तो ये सब घटनाएं आपको जानना है। बिंदुसार ने किस विदेशी शासक से शराब, सूखे अंजीर और एक विद्वान की मांग की थी, बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब रेगुलर एग्जाम में देखते हैं, तो आप इसे करें। देखिए इसे संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में आए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नामक बुक को किसने लिखा था? ये क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन सवाल है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि विशाख दत्त ने नंदों को हराने में जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कौटिल्य की भूमिका थी उसका उल्लेख यहाँ पे किया है बहुत अच्छे ढंग से। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा बल्कि तीसरा टॉपिक है जो ज्योग्राफी का है। दो टॉपिक ज्योग्राफी से होगा। माउंटेन हमने लिया पर्वत, इंटरनेशनल लेवल पर नेशनल लेवल पर जो किस तरह से पर्वतों का निर्माण होता है, उनके उदाहरण क्या क्या हैं, ये आपको करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेगुलर एग्जाम में दिखता है। माउंटेन्स जो अलग अलग प्रकार के जो चार प्रमुख हैं, मुड़दार पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, रेसिड्यूअल अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, ये सब आपको करना है उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो आप पर्वत करेंगे। यहाँ पर देखिए इससे क्वेश्चंस पेजेस नंबर पहले आप देख लें, पेजेस नंबर यहाँ पर क्रॉन लूसेंट दोनों के दिए हुए हैं। आप आइए इनके उदाहरण देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेनाइल, अपलेशियन और अरावली उदाहरण किस पर्वत के हैं? तो यहाँ पे अरावली जब आ गया तो ये क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अरावली भारत के सबसे प्राचीन पुराने पर्वतों में से एक है, यहाँ तक कि विश्व के भी सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन में से एक है। तो ये यहाँ पर हो गया पर्वत से रिलेटेड ज्योग्राफी का चौथा सब्जेक्ट।
चौथा जो हमने टॉपिक लिया है ज्योग्राफी से, कोयला, कोल, वो आप करेंगे कोल। दरअसल कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, साथ ही हमें ये भी देखना है कि विश्व में कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है कोल के, अलग अलग जो रूप हैं, जो कैटेगरीज हैं, उसे भी आपको देखना चाहिए। तो कोयला आप कर लें, पेज नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, पेज नंबर के साथ आप जाकर, बहुत अच्छा दिया हुआ है, दोनों बुक्स में ठीक ठाक है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसके क्वेश्चन जो हैं, 37 नंबर, कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो रानीगंज झारखंड में, ये सब तो हम सभी जानते हैं, लेकिन कोरबा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, चूँकि मध्य प्रदेश के बाद जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, तो बहुत सारे जो माइनिंग क्षेत्र हैं वो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कहाँ पे कोयले का सबसे ज़्यादा है और ये कोरबा कहाँ पे है। इस तरह का क्षेत्र आपको ध्यान में रखना चाहिए, आप बुक में जाएंगे समझ में आ जाएगा, आप पढ़ाई करें। पाँचवा टॉपिक, साइंस के दो टॉपिक्स हैं, हीरा और ग्रेफाइट हमने लिया है केमिस्ट्री से। कार्बन का ये उदाहरण है, आपको बताना है, यहाँ पर पेज नंबर दिया हुआ है, पढ़ कर करके, और फिर इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है। आसान क्वेश्चन यहाँ पर तो दिख रहा है, 87 नंबर, हीरा अपरूप है, हम सभी जानते हैं कि कार्बन के अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट, यानी एलोट्रोप हैं, यानी एक ही तत्व के अलग अलग स्ट्रक्चरल फार्मूला वाले ये दो तत्व, और इनके स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के कारण ही इनके रूप और क्वालिटीज़ अलग हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपको समझना है, आप जब जाएंगे बुक पे समझ में आ जाएगा। ये एग्ज़ाम्स में रेगुलर दिखाई देते हैं, आपको इनके अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उसके फीचर्स हैं उन्हें समझना है। छठा नंबर, आइए अगेन एग्ज़ाम हमने लिया है बायोलॉजी से, इंडोक्राइन ग्लैंड हमने लिया है, अंतःस्रावी ग्रंथि। आप सभी जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि से शरीर में हार्मोन का सेक्रेशन होता है। ग्रंथियां तीन तरह की होती हैं, ग्लैंड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स ग्लैंड्स। तो यहां पर हमने आपको सिर्फ ओनली अंतःस्रावी ग्रंथि, चूंकि ये बड़ा टॉपिक है, आपको लिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडोक्राइन। मिक्स ग्लैंड हम सभी जानते हैं, अग्नाशय है, पैंक्रियाज, लेकिन यहाँ पर इंडोक्राइन है, यानी अलग अलग इससे जो सेक्रेशन होता है, स्राव होता है, वो कौन कौन से ग्लैंड से होता है। तो आपको मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड, पाराथायराइड, थाइमस, ये सब आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि चार ग्लैंड्स, ये जो हार्मोन्स हैं, ये बड़े एग्जाम में दिखाई देते हैं, तीन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, ये फीमेल हार्मोन्स हैं। साथ ही टेस्टोस्टेरॉन, जो टेस्टिस से सेक्रेट करता है, यहाँ पर मेल हार्मोन है, ये एग्ज़ाम में दिखाई देता है, तो दे देता है प्रश्न में कि कौन सा मेल हार्मोन है, कौन सा फीमेल हार्मोन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इन सब, दरअसल इंडोक्राइन ग्लैंड ही हार्मोन का सेक्रेशन करता है, जो शरीर के ख़ास स्थान पर पहुँच कर ख़ास तरह की क्रियाएँ करते हैं। आइए नेक्स्ट, जो आठवां टॉपिक है, इकोनॉमी का टॉपिक है, बल्कि उसके पहले सातवां टॉपिक जो पॉलिटी का है वो देखते हैं। ये लिया गया है इमरजेंसी से, आपातकाल। आपको बताना है कि आपातकाल के अलग अलग पेजेस में जाके पढ़ना है और फिर इसके क्वेश्चंस करने हैं कि अलग अलग आपातकाल के 352 आर्टिकल, 356, 360, ये तीन बड़े आर्टिकल्स हैं, इन्हें आपको समझना है। राष्ट्रीय आपात, राज्यों में आपात, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल किस तरह से इमरजेंसी लगती है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, और नेशनल इमरजेंसी। तो एक बार हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपात लग चुका है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और फिर उससे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। पेज नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, साथ ही आइए इसके क्वेश्चन नंबर को, क्वेश्चन कैसे आते हैं देखते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, 48 नंबर, किसकी सलाह पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? सिंपल है, आसान है, लेकिन याद रखें इत्तेफाक से यहाँ पे एकदम उदाहरण आसान आ रहे हैं, लेकिन प्रायः ऐसा भी हो सकता है, बल्कि होता है कि टफ क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर तो बड़े आसान है, गवर्नर की सलाह पे, लेकिन आपको आर्टिकल 352, 356 और 360 समझना है, यहाँ पर पेज नंबर दिए हुए हैं। अगेन अब उसके बाद आइए आठवां टॉपिक इकोनॉमी से संबंधित है,
यहाँ पर हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र लिया है, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, जो सर्विस क्षेत्र, सेवा क्षेत्र है। तो इसे आपको समझना है, इसमें क्राउन में ठीक से नहीं दिया हुआ था, वहाँ पर दूसरे ढंग से क्राउन में समझाया है, लेकिन आप 290 पेज पे जाके इसे आप देखेंगे, साथ ही लूसेंट में ठीक ढंग से यहाँ पे दिया है 121 पेज पे, यहाँ पे आपको समझना है। साथ ही इससे संबंधित एक क्वेश्चन को आइए देखते हैं, 67 पेज। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर का योगदान कैसा हो जाता है? क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन ये बनने वाला क्वेश्चन है, बहुत टफ भी नहीं है। तो इकोनॉमी से आप ये कर लें, साथ ही नवा नंबर हमने जीके का लिया है, ये हमने लिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, एक ऑर्गेनाइजेशन आपको रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो आज हमने ICJ लिया है, यहाँ पर आपको देखना है, पेज नंबर यहाँ हमने दे दिया है, जाके देखेंगे और ये समझेंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की नियुक्ति होती है, उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, हेडक्वार्टर कहाँ है, उनका हेडक्वार्टर किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आइए क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अस्थाई मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? क्वेश्चन आसान है, GK रेलवे टाइप का है, आसानी से बन जाएगा, लेकिन ये याद रखें, अगर आपसे पूछ लेता है कि उसके जजों की नियुक्ति किस प्रोसेस होती है, जजों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, हर जज कितने, 1/3, 1/3 कितने सालों पर रिटायर कर जाते हैं, तो ये सब आपको समझना है, पढ़ना है। 10वां टॉपिक बिहार से रिलेटेड है, नेशनल हाईवे हमने लिया है। देखिए यहाँ पे बिहार का स्पेशल आपको एक रखना होगा, क्राउन हम आपको बता रहे हैं, ले सकते हैं, हमारी कोई विशेष आस्था इस किताब से, बुक से नहीं है, केवल ये है कि किताब में मटेरियल है तभी हम आपको बता रहे हैं, आप निश्चिंत रहें, हमने पहले पढ़ा है तब हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। हालांकि इसके अलावा चाहें तो आप KBC नैनो पैनोरमा विवास का विवास पैनोरमा ले सकते हैं, इम्तियाज अहमद की आती है, ये सब बुक्स ठीक ठाक हैं, हालांकि क्राउन में ज़्यादा बेटर दिया हुआ है। पेज नंबर 357 पर आप जाकर यहाँ पर, लेकिन आप याद रखें कि बिहार के डेटा में आपको डिफरेंसेस आ सकता है, चूँकि डेटा पुराने भी होते हैं, 2015-14 के डेटा चल रहे हैं, आपको आपसे हमारा सीधा बल्कि क्वेश्चन भी है कि अगर आपने काफ़ी आप लोगों में से लोग होंगे जिन्होंने इसे पढ़ा होगा, तो आप बताएं कि लेटेस्ट डेटा बिहार में नेशनल हाईवेज की संख्या कितनी है और उनका कुल लेंथ, टोटल लेंथ बिहार में नेशनल हाईवे का कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम सभी को करना है और ये आप सबों को भी लेटेस्ट डेटा पर जाके याद रखना है, 31 लिखा हुआ है पुराने में, लेकिन अब लेटेस्ट डेटा आ गया है, आप कमेंट में बताएं, इंस्टेंट अभी बताएं कि नेशनल हाईवेज की संख्या बिहार में कितनी है। उम्मीद है कि आप बताएंगे नेशनल हाईवेज कितनी संख्या है और इनका टोटल लेंथ करेंट डेटा में बिहार में कितना है, तो ये आपको बताना है अभी, और आप जाकर क्राउन में या किसी भी बिहार के स्पेशल के बुक में नेशनल हाईवेज को पढ़ लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए 10वां जो हमने 11वां टॉपिक जो लिया है, ये लिया है हमने करंट से, आज हमने बढ़ाया है करंट को, हमने अगेन उठाया है, चूँकि करंट को भी हमें करना चाहिए, इसलिए कि BPSC में करंट के क्वेश्चन 25 से 28-30 तक भी कभी कभी हो जाते हैं, 20+ तो रहते ही हैं, तो करंट के दो क्वेश्चंस आप यहां पे देख लें, आपको 128 नंबर देखें, बिहार में बिजली जो नवीनतम जो बिजली की उपभोग है प्रति व्यक्ति सालाना कितनी है। देखिए एक टफ क्वेश्चन था, लेकिन यहां पर कॉमन सेंस लगा के आंसर किया जा सकता था, जो कि बिजली की व्यवस्था बिहार में थोड़ी अच्छी नहीं है नेशनल पर्सपेक्टिव में, तो यह क्वेश्चन किया जा सकता था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की है, तो ये भी राज्यों से संबंधित बातें हैं, हमें ध्यान में रखना होगा कि राज्य अलग अलग योजनाएं चलाते रहते हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। साथ ही हम लोग करेंट करेंगे, आपको ये देखना है कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक अच्छे से करना होगा करेंट के, एक मैगजीन मंथली कोई भी आप रखें, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, अगर प्रतियोगिता दर्पण आप रखते हैं हिंदी मीडियम के हैं तो अच्छा रहेगा, सो कोई भी एक मंथली मैगजीन रेगुलर आप पढ़ें और इसी तरह से करेंट अफेयर्स को भी अपडेट करते रहें, अगस्त से लेकर करके ऑनवर्ड्स आपको करना होगा। तो यहीं पर आपसे इजाज़त लेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स करें, हम इसे जहां तक संभव हो, डेली आपके 700-800 कमेंट्स आते हैं,
तो सबका संभव नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी यथासंभव हम जवाब देते हैं। आप कमेंट्स करें और सर्च करें गूगल जो भी आपकी क्वेरीज हैं, लेकिन आपको सारे टॉपिक्स करने हैं, छोड़ना नहीं है, चाहे जो हो जाए, जितना भी समय लगे, कुछ भी आपको काम छोड़ना पड़े, इन टॉपिक्स को आप करें। कम से कम 500 ऐसे टॉपिक्स करने हैं आपको, फिर हम लोग और भी करेंगे, आप चिंतित ना हो, हम लोग और भी दूसरे सेक्टर्स को लेकर चलेंगे। यहीं पर आपसे इजाजत लेंगे, अपना ध्यान रखें, लगातार मेहनत में अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखें। टेक केयर।